ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उस वक्त सभी के चेहरों पर मुस्कान छा गई जब अचानक कई छोटे छोटे बच्चे अपने टीचर्स के साथ कार्यालय में दाखिल हुए। दरअसल ये बच्चे पुलिसकर्मियों को राखी बांधने आए थे। बच्चों का कहना था कि पुलिस समाज में भाई की भूमिका निभाती है, अपराधियों से हमारी सुरक्षा भी करती है। इसके बाद बच्चों ने ग्वालियर एसपी सहित सभी अधिकारियों और पुलिस जवानों को राखी बांधी। ग्वालियर पुलिस अधीक्षक ने बच्चों की इस भावना की सराहना की और कहा कि रक्षाबंधन का त्योहार मनाकर बच्चों को ही नहीं बल्कि पूरे स्टाफ को भी काफी अच्छा लगा। किड्स स्कूल है, लिटिल मिलेनियम करके, तो उसके कुछ बालिकाएं आई थी यहाँ पे। उन्होंने माननीय एसपी साहब को और जो स्टाफ है सबको अग्रिम रक्षाबंधन की बधाइयाँ दी, राखी भी बांधी है और काफ़ी सहज महसूस कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चे ही थे, 4 से 5 साल के। काफ़ी अच्छा लगा पूरे स्टाफ को उनके साथ त्यौहार को मना के सेलिब्रेट करके, और वो लोग भी काफ़ी पुलिस से जुड़ाव महसूस कर रहे थे और उनसे काफ़ी सारी बातचीत हुई और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया हमने। 4-5 साल के जो प्ले स्कूल के बच्चे होते हैं वही बच्चे थे और काफ़ी अच्छा लगा सबको, स्टाफ को और लगा उनसे बातचीत करने के बाद अच्छा रहा। उनके मनमोहक बातें हुई उनसे थोड़ी सी, और जो बच्चों की शरारतें हुई वो अपने ऑफिस को अपना स्कूल और घर जैसे ही समझ रहे थे, एसपी ऑफिस को। तो इसके माध्यम से ये संदेश जाता है कि आम पब्लिक भी है, वो भी अपनी समस्याओं को लेके कोई झिझक ना रखे, कोई ऐसी चीज़ ना रखे कि पुलिस आपके लिए नहीं है। पुलिस के साथ कोई असहजता नहीं होना चाहिए, पुलिस एक साधारण आपकी मित्र है। और इसी संदेश के साथ वो बच्चे ये संदेश देना चाह रहे थे कि जैसे बच्चे जो सहज हो रहे हैं क्योंकि वो पुलिस के पास किसी मनोवृत्ति के साथ नहीं आते हैं, ऐसे ही आम पब्लिक भी आए और अपनी समस्याओं के लिए बिल्कुल खुलकर बात करें।